हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरा नई वीडियो में। जैसा कि आप नए हैं अगर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं वीडियोस बनाती हूँ आप ही की दी हुई कहानियों पर, या आपके जो अनुभव एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पर मैं कहानियां बनाती हूँ। चाहे वो भगवान के चमत्कार हो, या कोई पौराणिक कथा हो, या किसी मंदिर से लेकर कोई चमत्कार हो। तो आज की जो ये वीडियो है बे माता की एक कहानी के ऊपर, जो आप ही लोगों में से किसी ने मुझे भेजी है। आप मुझे कोई भी नई वीडियो बनाने के लिए कोई भी अपना एक्सपीरियंस मेल के थ्रू या कमेंट्स में भेज सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो मेरे लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। देर न करते हुए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ बे माता के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है, 6 दिन के अंदर बे माता उसकी किस्मत लिख के जाती है। कई लोग इसे किस्मत लिखने वाली देवी भी कहते हैं। ये देवी हर बच्चे की किस्मत लिखती है, चाहे कोई पशु हो, कोई भी हो, उनकी किस्मत ये बे माता ही लिख के जाती है। तो एक गांव में एक अमीर सेठानी रहती थी। उसके सामने एक गरीब विधवा रहती थी जिसके पास एक गाय थी। उसी गाय का दूध बेचकर वो अपना घर का पालन पोषण करती थी। जो अमीर सेठानी थी, उसको जो गरीब विधवा थी, उसकी गाय से बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि जो उसकी गाय थी वो अक्सर सेठानी के घर के बाहर गोबर कर जाती थी। तो वो क्या करती थी, वो उसकी पूंछ को पकड़ के घुमा देती थी और उसको मारती थी। तो इस पे विधवा जो थी वो कहती उसको कि सेठानी तुम ऐसा क्यों करती हो, जो ये गंदगी करती है मैं उसको साफ कर जाती हूँ, लेकिन ये पशु है, ये नहीं जानता कि मुझे कहाँ खड़ा होना है, तो इसको मार कर तुम पाप मोल मत लो। ये बहुत समझाती थी, लेकिन जो सिठानी थी वो अपने पैसों में बड़ी ही पागल थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो उसको क्या समझाती है। ऐसे दिन महीने में बीते, महीने साल में बीते, ये सब ऐसा ही चलता रहा। एक वक्त आया कि जो अमीर सिठानी थी उसकी मृत्यु हो गई। अब बेमाता ने तो उसके कर्म लिख दिए थे जो उसने पिछले जन्म में किया, यानी कि गाय को सताना। इस जन्म में, अगले जन्म में वो जो अमीर सिठानी थी उसको उसी गाय का एक रूप दे दिया। गाय की बच्चिया हुई, अब बच्चिया गाय में तब्दील हुई। इतनी सुंदर कि देखने वाले कहते थे, अरे वाह, ये तो बड़ी हृष्ट पृष्ट है, ये तो जब गाय पूरी प्रॉपर ब्याएगी तो बच्चा पैदा करेगी, उसके बाद तो खूब दूध देगी। हर कोई दुकानदार या कोई जो किसान होता था वो कहता था कि इसको खरीदने में बड़ा फायदा है। ऐसे ही जब वो बड़ी हुई तो उसको एक किसान ने खरीद लिया। उसने यही सोच के खरीदा था कि ये अब ब्याएगी तो बहुत सारा दूध देगी और इसका दूध बेच के मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो वो गाय थी वो बांझ थी, वो कभी माँ बन ही नहीं सकती थी। किसान को जब ये बात समझ में आई तो उसने उसको आगे बेच दिया। आगे जिसको बेचा उसने भी 2-3 साल इंतजार किया कि अब तो बच्चा होगा, अब तो बच्चा होगा, लेकिन बच्चा नहीं हुआ गाय का। वो भी समझ गया, उसने भी आगे बेच दिया। 2-3 बार बिक जाने के बाद फाइनली उस गाय को एक कसाई को बेचा गया। कसाई के सामने वो गाय जब कटने के लिए खड़ी थी तो उस गाय की आंखों से आंसू आने लगे। कसाई को उस पर दया आ गई तो उस कसाई ने उसको जाने दिया और वही गाय जाकर उसी गांव में जा पहुंची जहां पर वो अमीर सेठानी हुआ करती थी एक समय पर। अब उसके बाद वो गाय उसी विधवा की कोठी पे जाके खड़ी हो गई जहां पर उसकी पुरानी गाय बंधी हुई थी। जब उसने उस गाय को देखा तो उसके मन में वही सब बातें आ गई कि मैंने पुराने जन्म में इसके साथ कितना खराब किया, कितना बुरा किया। वो उस गाय के साथ बैठकर बातें करती है और कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैं वही सेठानी हूँ जो अक्सर तुम्हारी पूंछ को पकड़ के घुमा देती थी और तुम्हें खूब डंडे से मारा करती थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया और आज के टाइम में मैं ये भोग रही हूँ। तो जो विधवा की गाय थी वो कहती है, कोई बात नहीं बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब तुम अगर इंसान बनती हो तो ये गलती मत करना। तो ये कहकर वो जो गाय थी, सिठानी बनी हुई गाय थी, वो खामी भर देती है कि मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। जैसे ये बातें होती है तो उसके बाद जब उसको आगे जाया जाता है, बेचा जाता है, तो वो ब्याह जाती है। अब उसका बांझपन खत्म हो जाता है।
जैसे ही ये बात होती है और उसका बच्चा होता है तो वो बहुत सारा दूध देना चालू करती है। अब लोगों में उसकी खरीदारी बढ़ जाती है। तो बे माता ने उसके कर्म देखकर उसकी नियति लिख दी। इसीलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि बे माता को हम मजबूर करें हमारी किस्मत खराब लिखने के लिए। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।